हे गाइस गुड आफ्टरनून। आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई दोपहर के 1 बजे और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ कॉलेज जाने के लिए। और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और साथ ही साथ नर्वस भी हूँ। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है और मेरी प्रिपरेशन एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। और नर्वस इसलिए क्योंकि यहाँ मैं यूरोप में इटली में पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और यहाँ के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ना बिल्कुल अपने इंडिया से अलग होता है। अपने इंडिया में क्या होता है, रिटन होता है, यहाँ ओरल होता है, वर्बल होता है, तो मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम देने जा रहा हूँ तो उसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रही है कैसा होगा मतलब ओरल में पूरी तरह से, क्योंकि अपने यहाँ भी होता है कि 70-30 का होता है, 70% 70 मार्क्स का रिटन होता है, 30 मार्क्स ओरल होते हैं अपने इंडिया में, बट यहाँ पर पूरा का पूरा ओरल ही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट देखते हैं कैसा होता है। होप सब कुछ अच्छा ही रहे, प्रिपरेशन अच्छी खासी है, मेरा प्रेजेंटेशन भी सब कुछ रेडी है। चलिए चलते हैं कॉलेज, देखते हैं आप लोग के साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगा कैसा रहता है एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स अभी मैं बस में आ गया हूँ, बट हाँ बस में कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूँ और बस के ड्राइवर सिर्फ 2 लोग हैं और बस 2 मिनट में खुलने वाली है यहाँ से और कोई आ नहीं रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि सारे लोग ना पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि आज के जो एग्ज़ाम्स है ना उसमें प्रेजेंटेशंस भी है, तो उसमें मेरा जो पार्ट था सबसे फर्स्ट पार्ट था जो कि मैं पूरा अकेले बनाया था, तो वो मेरा क्लियर है। बाकी लोग को शायद तो वो आपस में डिस्कस करना है, शेयर करना चाहिए स्लाइड्स को कि कौन स्लाइड कौन प्रेजेंट करने वाला है। तो मे भी हो सकता है वो लोग पहले ही गए हों, आपस में वो डिस्कस कर रहे हों, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मेरा काम एकदम अलोन मैं पूरा करके सबमिट भी कर दिया है। और सबका जो परफॉर्मेंस है लाइक सबको जो प्रेजेंट करना है मेरे प्रोजेक्ट के से रिलेटेड ही है, तो अगर मैं प्रेजेंट नहीं करता तो वो लोगों का नहीं होता, तो मैं को सोलो करना था वो कर दिया। चलिए चलते हैं एयरपोर्ट और सबसे पहले एयरपोर्ट पहुँच कर मैं अपना लंच करूँगा और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देंगे। गाइज़ ये है मेरा लंच, अभी ये मैंने टेक अवे ले लिया, शाम में खा लूँगा, ये रात में खा लूँगा और ये वेजिटेबल्स अभी खाने जा रहा हूँ, देखिए ब्रेड। चलिए फटाफट इसे फिनिश करते हैं उसके बाद चलते हैं क्लास में। फ्रेंड्स अभी मेरा लंच हो गया है और समय आ गया है क्लासरूम में जाने का, धक धक हो रही है बहुत तेज़ी से, बट चलिए राम जी का और महादेव जी का नाम लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। Cultural things and location of all those things, so just I am going to just play a video, okay? Okay. No sound. Check, let's check in. फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं 6 और अभी मेरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया है और अच्छी बात ये है कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, वो भी 100% मार्क्स, लाइक 30 मार्क्स के होते हैं, 30 out of 30 मुझे मिल गया, 30 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 100 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ भी गया है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है डेटा एनालिसिस का जिसमें आर लैंग्वेज होती है, कोडिंग्स वगैरह करनी होती है, तो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है मतलब इस पूरे सेमेस्टर का, तो कल वो है। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि जिस वे में मैंने प्रिपरेशन करी है, जिस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है ना, तो वो सही जा रहा हूँ मैं उसी तरीके से, अगर वो वाला भी मैंने करा हुआ है जस्ट रिवाइज़ कर लूँगा तो डेफिनेटली पास करना और अच्छे नंबर्स पा सकता हूँ। 100% तो नहीं बोल सकता इसकी तरफ, बट हाँ अच्छे मार्क्स मैं ले आ सकता हूँ। तो चलिए फिलहाल अभी बस का टाइम हो रहा है, चलते हैं बाहर, बस लेते हैं और चलते हैं हॉस्टल और प्रिपरेशन करते हैं कल के लिए।
सो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ और भूख बहुत तेज़ लगी है, तो मैं सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पर कुछ खाया नहीं था और सीधे पैक करा के आ गया क्योंकि बस की टाइमिंग हो रही थी। तो मैं ये सब कुछ पैक करके ले आया हूँ और चलिए फटाफट इसे निकालते हैं और मुँह धोकर फटाफट खाते हैं। फ्रेंड्स ये है मेरा एक प्लांट प्लेटर और ये ब्रेड, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। चलिए इसे फटाफट खाते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर से लग जाएंगे कल के लिए, क्योंकि इट्स लाइक अ मैराथन, बैक टू बैक एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स अभी स्टडी करते करते 2:34 हो गए हैं सुबह के, और अच्छी बात ये है कि मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे आर लैंग्वेज के, मतलब डेटा एनालिसिस के, कोडिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, ग्राफ्स, चार्ट, वो सब कुछ मैंने रिवाइज़ कर लिया है, और अब थोड़ा थोड़ा मन में कॉन्फिडेंस आ गया है कि एग्ज़ाम ठीक ठाक जाएगा। बाकी अब कैसा जाएगा वो एग्ज़ाम में से, मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअली कैसा जा रहा है, ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे जो चैलेंजिंग मुझे लग रहा है ना इस सब्जेक्ट में, इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, और मतलब सब्जेक्ट सेम है बट उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और दोनों का ही स्ट्रक्चर एकदम अलग है, 2 टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, तो कहने के लिए तो एक सब्जेक्ट है बट हमारे 2 एग्ज़ाम्स होंगे 2 पार्ट में सेम डे में ही। तो कल 1 घंटे हमारी दूसरे टीचर लेंगी और फिर नेक्स्ट 1 घंटे हमारे दूसरे टीचर लेंगे, जिसमें कि वर्बल भी रहेगा, रिटन भी रहेगा, कोडिंग भी रहेगा। कोडिंग में हमें सिस्टम में वो कोड करने होंगे, कोडिंग्स करनी होंगी, कोडिंग करके वो दिखाना होगा, और वर्बल में जो चीज़ें पूछना होगा वो लोग पूछ लेंगे, और कुछ रिटन भी रहेंगे। रिटन मतलब जस्ट नॉर्मल जैसे फार्मूलाज वगैरह होते हैं ना, कोरिलेशंस वगैरह होते हैं, वो चीज़ें, तो इसमें सारा मिक्स रहेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। कल वाला एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया, और हाईएस्ट मार्क्स मैं ले आया, तो मतलब मज़ा ही आ गया राम जी और महादेव जी की कृपा से, क्योंकि उन लोग का ही नाम लेकर गया था, बस सबसे हो गया, बस होप महादेव और राम जी की कृपा से ये वाला भी एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सोना होगा, क्योंकि कल का एग्ज़ाम जो था हमारा शाम में था, मतलब दोपहर से स्टार्ट, 3 बजे से स्टार्ट था, बट ये जो अगला है वो हमारा सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे उसके लिए एटलीस्ट 9 बजे उठना पड़ेगा, 9:50 की बस लेनी होगी, तब जाकर मैं 10:30 बजे तक पहुँच पाऊँगा। तो चलिए फ़िलहाल अभी इस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं और सो जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।